हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू महाजनपद एज फ्रॉम 600 BC टू 325 BC। महाजनपद एज वाज फ्रॉम 600 BC टू 325 BC, दैट इज अबाउट 2600 years ago। महाजनपद एज लगभग 600 BC से 325 BC के बीच था, जो आज से 2600 years पहले एग्जिस्ट करता था। इन दिस पीरियड देयर वर सेवरल बिग एंड स्मॉल रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। महाजनपद एज में बहुत सारे बड़े और छोटे रिपब्लिक्स और मोनार्कीज स्टेट हुआ करते थे। सेवरल न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजीज ओरिजिनेटेड इन दिस एज। बहुत से नए धार्मिक विचार उभर रहे थे महाजनपद एज में। देयर वॉज प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। और महाजनपद एज में एग्रीकल्चर का काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा था, विकास हो रहा था, साथ में ट्रेड कॉमर्स का भी विकास हो रहा था और शहरों का भी डेवलपमेंट हो रहा था। सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस केम इन द पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड। और बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव राजनीतिक और सामाजिक एरिया में भी हो रहे थे। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट व्हाट दी चेंजेस वर एंड हाउ दे केम आउट। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे या जानेंगे कि वे चेंजेज क्या क्या थे और ये चेंजेज कैसे हो रहे थे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड लर्न दैट फार्मिंग हैड स्टार्टेड इन द गंगेटिक प्लेन्स एंड सेवरल जनपद्स हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये गंगा के किनारे के जो प्लेन्स थे वे काफ़ी फर्टाइल थे और उन एरियाज़ में काफ़ी समृद्धशाली क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा था और उन एरियाज़ में जनपद भी एग्जिस्टेंस में आ रहे थे, यानी कि जनपद भी अस्तित्व में थे। आगे है महाजनपद। विथ टाइम द जनपद डेवलप्ड रैपिडली। समय के साथ साथ जनपद भी तेज़ी से विकसित हो रहे थे। एग्रीकल्चर हैड प्रॉस्पियर्ड इन द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन। गंगा नदी के किनारे के जो प्लेन्स थे वे काफ़ी फर्टाइल थे, इसीलिए उन एरियाज़ में क्रॉप का प्रोडक्शन काफ़ी समृद्धशाली था। मिनरल्स डिपॉजिट्स स्पेशली आयरन विच वर फाउंड इन साउथर्न बिहार नाउ झारखंड वर यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। और गंगेटिक प्लेन्स के साउथ में मिनरल डिपॉजिट था, यानी कि मिनरल डिपॉजिट था, मिनरल में आयरन का डिपॉजिट प्राप्त हुआ था, यानी आयरन प्राप्त हुए थे और ये आयरन जो थे उनका उपयोग टूल्स और वेपन्स बनाने में किया जा रहा था। द जनपद ऑफ दिस एरिया हैड बिकम पावरफुल। और इस एरिया के जो जनपद थे वे काफ़ी पावरफुल हो रहे थे। देयर ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ट इंक्रीजिंग द हैबिटेशन ऑफ द पीपल। और लोगों का जो ट्रेड था, कॉमर्स था, वो काफ़ी फ्लोरिस्ट हो रहा था, फल फूल रहा था।
They wanted to increase their strength and income, so they started gaining control over other areas. वे अपना ताकत बढ़ाना चाहते थे और अपना आय भी बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि और भी एरिया को अपने स्टेट में, अपने जनपद में बढ़ाएं, यानी कि अपने जनपद को और एक्सपेंड करना चाहते थे. दीज बिग एंड पावरफुल जनपद्स वर कॉल्ड महाजनपद्स. और इस तरह के जो बड़े और शक्तिशाली जनपद हुआ करते थे उनको महाजनपद्स कहा जाता था. रिमेंबर जना ट्राइब ऑफ वन लिनेज. जना जो होते थे एक ही लिनेज के ट्राइब्स हुआ करते थे जिसको जना कहते थे. जनपद द एरिया वेयर पीपल ऑफ वन जना लिव्ड एंड प्रैक्टिस्ड फार्मिंग. और जना के लोग जिन एरियाज में रहा करते थे उन एरियाज को जनपद कहा जाता था और वे जो जना थे वे फार्मिंग किया करते थे. महाजनपद बिग एंड पावरफुल जनपद यानी कि बड़े और शक्तिशाली जनपद को महाजनपद कहा जाता था. दस देयर वर सेवरल जनपद्स एंड महाजनपद्स इन 600 BC. 600 BC में बहुत से जनपद और महाजनपद एग्जिस्ट कर रहे थे, अस्तित्व में थे. सम ऑफ देम वर रिपब्लिक्स एंड सम वर मोनार्कीज. और उनमें से कुछ रिपब्लिक्स थे तो कुछ मोनार्कीज. फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ दैट एरा वी लर्न दैट देयर वर ऑल टुगेदर 16 महाजनपद्स. हमारे लिटरेचर जो उस एरा में लिखा गया था उस लिटरेचर के अनुसार हम यह जान पाते हैं कि उस समय 16 महाजनपद थे. और ये 16 महाजनपद बहुत ही प्रभावशाली थे. स्टूडेंट्स अभी जो हम लोगों ने देखा कि 16 महाजनपद थे और अब हम देखेंगे यहाँ हमारे पास इंडिया का मैप है. मैप में देखेंगे कि ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर थे और कौन 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 से थे. तो ये जो महाजनपद थे सबसे पहले कंबोज जो पाकिस्तान में है, गंधार ये भी पाकिस्तान में है, इसके बाद कुरु, सुरासेन, मत्स्या ये सुरासेन है, मत्स्या, अवंती, पंच, कोसाला, माला, वैजी, चेदी, वत्सा, काशी, मगधा, अंगा ये सभी महाजनपद थे. और ये कब थे? 600 BC के समय. और एक और है अस्माका. तो इस तरह से आप मैप में भी देख लिए कि 16 महाजनपद किस तरह से एग्जिस्ट करता था 600 BC टू 325 BC के बीच. मगध, कोसाला, अंगा, काशी इटीसी वर मोनार्कीज. ये जो स्टेट महाजनपद थे यहाँ पर मोनार्कीज गवर्नमेंट थी. हेयर द पोस्ट ऑफ अ किंग वॉज हेरिडिट्री. यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका पोस्ट हेरिडिट्री हुआ करता था. हेरिडिट्री का क्या मतलब है? देखिए, दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग हिज एल्डर सन वुड बिकम द किंग. जब राजा का मृत्यु हो जाती थी तब राजा का ही बड़ा बेटा उस सिंहासन पर राजा बनता था, यानी कि राजा का बेटा ही फिर से राजा बनता. तो इस तरह से जो शासन होता था उसको हेरिडिट्री कहा जाता था. बट बैजी, वैशाली, साक्या, कपिलवस्तु, माला इटीसी वर रिपब्लिक्स.
लेकिन वैजी, साक्या, माला ये सभी रिपब्लिक थे. रिपब्लिक्स वर रूल्ड बाई ए जनरल असेंबली ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ अ लिनेज. लिनेज के जो मेल मेंबर हुआ करता था, यानी कि जो आदमी लोग होते थे, उनका एक जनरल असेंबली होता था और उस जनरल असेंबली से एक पर्सन को चुना जाता था और वही वहाँ पर शासन करता था. द मेंबर्स वुड एलेक्ट एनी वन अमोंग देम एज देयर किंग. और उनमें से कोई एक राजा चुना जाता था, यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे. द पोस्ट ऑफ द किंग वॉज नॉट हेरिडिटरी. और रिपब्लिक में जो राजा का पोस्ट होता था वो हेरिडिटरी नहीं होता था. वुमेन, स्लेव्स, बिजनेसमैन एंड पीपल नॉट बिलोंगिंग टू द सेम लिनेज हैड नो पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग बॉडी. औरतें, गुलाम और व्यापारी लोग और भी लोग जो एक ही लिनेज के नहीं हुआ करते थे, ये सभी के गवर्निंग बॉडी में, यानी कि राजा बनने के लिए पार्टिसिपेशन नहीं करते थे. रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्मॉल रिपब्लिक. रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट होती थी, जिसमें कि राजा लोगों द्वारा चुना जाता था, ये लंबे समय के लिए कंटिन्यू शासन करते थे. इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स लाइक वेजी हैड कम टू एन एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन विच वॉज एडॉप्टेड बाई द मोनार्कीज लाइक मगध. महत्वपूर्ण रिपब्लिक जैसे वैजी जो है उसका अंत हो जाता है, क्योंकि यह वैजी जो है वह एक्सपेंशन के पॉलिसी को अपनाता है जो मगध के शासक मोनार्की अपनाए हुए थे. उसी के जैसा वैजी भी चाहता था कि वह भी अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करे और मोनार्कीज जैसे व्यवहार अपनाने लगा था, और इसीलिए वैजी जो था सफल नहीं हो पाया और वैजी का एंड हो जाता है, यानी कि वैजी का अंत हो जाता है. आगे रिमेंबर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप याद कर लेना. हेरिडेटरी, व्हेन सन गेट्स द पोजीशन आफ्टर हिज फादर. जब पुत्र अपने पिता के बाद पोजीशन पाता है तो उसको हेरिडेटरी कहा जाता है. मोनार्की, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग और क्वीन रूल्स. गवर्नमेंट का एक प्रकार है जहाँ राजा और रानी रूल करते हैं, और वह भी हेरिडेटरी, तो उसको मोनार्की कहा जाता है. रिपब्लिक, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड कैंडिडेट्स रूल फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड. रिपब्लिक में गवर्नमेंट का ऐसा स्वरूप होता है जो लोगों के द्वारा चुना जाता है और एक निश्चित समय के लिए रूल करता है, शासन करता है. राइज ऑफ मगध, द पीरियड फ्रॉम 544 BC टू 323 BC वॉज नोन एज द एज ऑफ द महाजनपद्स. 544 BC से 323 BC के बीच का जो एज है उसको महाजनपद कहा जाता है. इन द अर्ली पीरियड कोसल, वैजी एंड मगध वर पावरफुल स्टेट. पहले ये कोसल, वैजी और मगध एक शक्तिशाली स्टेट थे. अवंती वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट. और अवंती भी एक महत्वपूर्ण स्टेट था. बच्चों,
कुशाल वैजी मगध, ये जो स्टेट थे ये काफ़ी पावरफुल थे और अवंती भी एक महत्वपूर्ण स्टेट था और अवंती का कैपिटल था उज्जैन। देयर वर फ्रीक्वेंट वार्स अमोंग द महाजनपद टू एक्सपेंड देयर एरियाज, ये जो महाजनपद थे ये अपना एरियाज को बढ़ाने के लिए आपस में अक्सर लड़ाई किया करते थे, यानी आपस में ही युद्ध किया करते थे। अल्टीमेटली मगध इमर्ज्ड एज ए मेजर पावर इन दिस स्ट्रगल, और इस संघर्ष में मगध जो था एक पावरफुल स्टेट के रूप में उभरा। इन दिस इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्लेड अ मेजर रोल, और मगध के जो प्राकृतिक स्रोत थे वे उसको पावरफुल बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाए। इट हैड फर्टाइल एरियाज सो एग्रीकल्चर प्रॉस्फियर्ड, इन एरियाज में बहुत सारे एरिया उपजाऊ था जिसके वजह से यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत समृद्धशाली था, यानी बहुत अधिक क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, यानी फसल का प्रोडक्शन अधिक होता था। इन इट्स साउथर्न रीजन देयर वर आयरन ओर डिपॉजिट, और उसके साउथर्न एरिया में आयरन ओर डिपॉजिट था, यानी आयरन ओर पाया गया था। इट प्रोवाइडेड आयरन फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स, और जैसा कि आप सभी जान चुके हो आयरन का उपयोग टूल्स और वेपन्स बनाने में किया जा रहा था। दस नेचुरल रिसोर्सेज मेड मगध वेरी पावरफुल, और नेचुरल रिसोर्सेज जो थे मगध को काफ़ी पावरफुल बना दिए थे। बिंबिसार वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध, बिंबिसार मगध का एक महान शासक हुआ था। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेक मगध पावरफुल, उन्होंने एक पावरफुल एक शक्तिशाली आर्मी बनाया जो मगध को और भी पावरफुल बना दिया। ही यूज्ड बोथ हिज आर्मी एंड हिज पॉलिसी टू अचीव हिज एंड्स, उन्होंने अपने आर्मी और पॉलिसी का यूज करके अपने स्टेट को अंतिम सीमा तक विकसित करने में सफल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोसाल एंड गॉट द स्टेट ऑफ काशी इन डोरी, सबसे पहले उन्होंने कोसाल के प्रिंसेस से शादी की और डोरी में काशी उनको प्राप्त हुआ, यानी डोरी का मतलब होता है दहेज। बच्चों आज भी लड़कियों का जब शादी होता है तो जो लड़की के माता पिता होते हैं वे अपनी बेटी के लिए वर पक्ष वाले को दहेज दिया करते हैं, और उसी तरह से काशी जो था बिंबिसार को दहेज में दिया गया था लड़की पक्ष के पिता के द्वारा। देन ही गॉट द सपोर्ट ऑफ वैशाली बाई मैरिंग इट्स प्रिंसेस, और उसके बाद अपने प्रिंसेस का शादी वैशाली से करके फिर वैशाली का भी सपोर्ट उन्हें प्राप्त हुआ। ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विथ अदर स्टेट्स, इसी तरह से उन्होंने और भी दूसरे स्टेट के साथ अच्छा व्यवहार रखा। ही कैप्चर्ड चंपा द कैपिटल ऑफ अंगा आफ्टर ए वार ऑफ कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने वार में विजय प्राप्त करके चंपा पर अधिकार कर लिए जो अंगा का राजधानी था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार वॉज एन एबल रूलर, बिंबिसार एक योग्य शासक थे। ही मेड राजगृह विच वॉज सराउंडेड बाई माउंटेन्स
on all sides his capital. उन्होंने राजगृह को अपने महाजनपद का कैपिटल बनाया क्योंकि राजगृह जो था वो चारों तरह से माउंटेन से घिरा हुआ था और सुरक्षित था. ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. वे एक अच्छा शासक थे. द कल्प्रिट्स वुड गेट सीवियर पनिशमेंट. और जो भी दोषी हुआ करता था उसे गंभीर पनिशमेंट सजा दिया जाता था. टैक्सेस वर कलेक्टेड रेगुलरली फ्रॉम द फार्मर्स एंड बिजनेसमैन. और जो किसान हुआ करते थे और व्यापारी उनसे कंटिन्यू टैक्स कलेक्ट किया जाता था. द एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी एम्प्लॉयज एंड द किंग वर टेकन केयर ऑफ बाई दीज टैक्सेस. और इन टैक्सेस से इन टैक्सेस का जो पैसे होते थे वे आर्मी के ऊपर खर्च किया जाता था और एम्प्लॉई यानी वर्कर्स के ऊपर और साथ में राजा के देखभाल के लिए किया जाता था. बट हिज सन अजातशत्रु किल्ड हिम एंड बिकेम द किंग. लेकिन उनका बेटा अजातशत्रु उनको मार दिया और स्वयं राजा बन गया. अजातशत्रु After becoming the king, Ajatasatru followed the policies of his father and further expanded his empire. Ajatasatru राजा बनने के बाद अपने पिता के द्वारा बनाए हुए पॉलिसी को ही अपनाया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया. He created a split among the people of the Republic of Vajji and then annexed it. वह वैजी के लोगों में split स्प्रेड कर दिया, split क्रिएट किया, यानी कि आपस में ही doubtfulness क्रिएट कर दिया लोगों में, आपस में ही लड़ाई शुरू हो गया. और फिर ऐसी स्थिति में अजातशत्रु वैजी को एनेक्स्ट कर लेता है, अपना अधीन में कर लेता है. ड्यूरिंग हिज रेन द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट सातापर्णी केव नियर राजगृह. राजगृह के पास सातापर्णी केव में सबसे पहला बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था. सेवरल अदर रूलर्स who came after Ajatasatru kept on expanding the kingdom of Magath. और अजातशत्रु के बाद कई rulers आए और मगध को यानी कि मगध के kingdom को expand किए. नंदा dynasty के the first ruler of the Nanda dynasty was Mahapadma Nand. नंद डिनेस्टी का सबसे पहला शासक महापद्मानंद थे. विथ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी ही कंक्वर्ड सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड कालिंगा इन द साउथ. महापद्मानंद के पावरफुल आर्मी के साथ वे नॉर्थ इंडिया के लगभग अधिकतर स्टेट को जीत लिए थे और साउथ में कालिंगा को भी जीत लिए थे. मगध बिकेम ए ह्यूज एम्पायर इन हिज टाइम. उनके समय में मगध एक बड़ा एम्पायर बन चुका था. द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डिनेस्टी वॉज धनानंद. नंदा डिनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद थे. हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी डिस्ट्रेस्ड एज ही inflicted atrocities on them while collecting the taxes. जब टैक्स कलेक्ट करते तो उस समय जो भी लोग होते यानी कि बहुत ही सख्ती के साथ लोगों से टैक्स लिया जाता था, लोगों की स्थिति को देखते हुए यानी कि जहाँ जैसा हो उस तरह से, जहाँ जैसा ज़रूरत हो उस तरह से टैक्सेस नहीं लिया जा रहा था. यानी टैक्स लेने में धनानंद
जो किंग थे उनके लोग अत्याचार कर रहे थे लोगों के साथ, लोगों को टैक्स न देने पर दंड दिया करते थे, लोगों को व्यथित किया करते थे, जिससे कि लोगों में असंतोष फैल गया था। एट दिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य अटैक्ड मगध विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, और जिस स्टेट में इस तरह की स्थिति हो तो उसको जीतना आसान हो जाता है। और ऐसे ही सिचुएशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अटैक कर दिया और वे चाणक्य के हेल्प से अटैक किए थे। धनानंद वॉज किल्ड इन बैटल आफ्टर विच द रूल ऑफ द मौर्य डिनेस्टी स्टार्टेड, और बैटल में यानी युद्ध में धनानंद मारा जाता है और उसके बाद नया डिनेस्टी आती है और वह डिनेस्टी है मौर्य डिनेस्टी। लाइफ इन द महाजनपद्स, इन द महाजनपद्स द किंग वॉज वेरी पावरफुल। महाजनपद एज में राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ही वुड रूल एंड गिव जस्टिस टू हिज पीपल, वे शासन करते थे और लोगों के साथ न्याय किया करते थे। ही अपॉइंटेड मिनिस्टर्स कमांडर्स ऑफ द आर्मी एंड अदर एम्प्लॉयज टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वे मिनिस्टर चुना करते थे और आर्मी के कमांडर्स और इसी तरह से और भी अदर वर्कर्स चुना करते थे जो सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ विलेज वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द विलेज हेडमैन हु वॉज द लिंक बिटवीन द किंग एंड द विलेजर्स। इस पीरियड में विलेज को, विलेज का जो हेडमैन होते थे वही एडमिनिस्ट्रेट करते थे, और ये जो हेडमैन हुआ करते थे ये राजा और लोगों के बीच के लिंक का काम किया करते थे। पीपल इन द विलेजेस मेनली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग, जो गांव के लोग होते थे वो मेन रूप से फार्मिंग किया करते थे और साथ में जानवरों का पालन किया करते थे। विलेजेस विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट्स मैन विथ गुड वर्कमैनशिप लाइक कारपेंटर्स स्कल्पचर ब्लैक स्मिथ्स एंड मेनी बिजनेस मैन स्लोली स्टार्टेड बिकमिंग सिटीज। विलेज में बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे और वे क्राफ्ट्समैन एक अच्छे क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जैसे कारपेंटर्स, स्कल्पचर, ब्लैक स्मिथ और भी बहुत सारे बिजनेसमैन, और ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट होकर कार्य करते थे। और इस तरह से ये जो विलेजेस था वो एक सिटी का रूप ले रहा था। There were several famous cities like Ujjain, Magadha, Madhya Pradesh, Champa, Vaisali, Rajgiri in Bihar, it is said. बहुत सारे प्रसिद्ध सिटीज थे, उनमें से थे उज्जैन जो मध्य प्रदेश में था, चंपा, वैशाली, राजगिरि जो बिहार में था, ये सभी सिटीज बन चुके थे। दे वर कॉल्ड महानगर मेट्रोपोलिस, और इनको महानगर और मेट्रोपोलिस कहा जाने लगा था। ऑन एक्सकेवेशन इट वॉज फाउंड दैट द हाउसेस इन दिस सिटीज वर मेड ऑफ वुड ब्रिक्स एंड स्टोन्स, खुदाई के द्वारा यह पता चला कि उस समय जो घर बनाए जाते थे वे घर वुड ब्रिक्स और स्टोन के बनाए जाते थे। सेवरल क्राफ्ट्समैन लिव्ड देयर, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन वहाँ रहा करते थे। क्राफ्ट्समैन ऑफ द सेम ट्रेड और क्राफ्ट फॉर्म्ड श्रेणीज और गिल्ड्स वेयर दे वर्कड टुगेदर, एक ही तरह के क्राफ्ट्समैन जो सेम यानी एक जैसे ट्रेड किया करते थे, व्यापार करते थे,
तो ये सभी एक जैसे ट्रेड करने वाले, एक जैसे क्राफ्ट्स बनाने वाले एक ग्रुप बनाते थे, जिसको कि श्रेणिज कहा जाता था या गिल्ड्स कहते थे, और ये सभी के सभी एक साथ काम करते थे। ट्रेड हैड ऑल्सो फ्लोरिस्ट इन महाजनपद एज। महाजनपद एज में व्यापार भी काफ़ी फला फूला। ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। जो ट्रेड होता था वह बार्टर सिस्टम्स पर आधारित था। बार्टर सिस्टम में होता था कि जो व्यक्ति जो चीज़ का उत्पादन करता था उसी चीज़ को एक दूसरे से एक्सचेंज करके व्यापार किया करते थे। जैसे एक फार्मर है और एक कारपेंटर है, तो फार्मर जो है जब उसको कारपेंटर यानी फर्नीचर की ज़रूरत होगी तो वो कारपेंटर से फर्नीचर लेगा और बदले में वह अनाज देगा, और जो कारपेंटर है वो बदले में फर्नीचर देगा और अनाज लेगा। तो इसी तरह से और लोगों के साथ भी हुआ करता था। तो इस तरह से जो व्यापार होता था उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इन दिस एज द यूज ऑफ क्वाइंस मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर हैड स्टार्टेड। और महाजनपद एज में ही कॉपर और सिल्वर क्वाइंस का यूज करना भी शुरू हो गया था। क्वाइंस वर मेड बाई पंच मार्किंग द मेटल पीस। जो क्वाइंस होते थे उन पर पंच मार्किंग होता था और वे क्वाइंस मेटल पीस के होते थे। ट्रेड वॉज मेड इजी बाई द यूज ऑफ क्वाइंस। क्वाइंस का यूज करके ट्रेड आसानी से होने लगा। यानी कि जब व्यापार होता था जिसमें कि लोग जो चीज़ बनाते थे उसी चीज़ का एक्सचेंज करते थे, लेकिन जब क्वाइंस आया तो व्यापार अब क्वाइंस से इजी हो गया करना। एट दैट टाइम पीपल हैड टू पे टैक्सेस। और उस समय लोग टैक्स दिया करते थे। फार्मर्स हैड टू गिव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। जो किसान हुआ करते थे वे अपने प्रोडक्शन के छठा भाग को टैक्स के रूप में देते थे। छठा भाग मतलब जैसे उनका जितना प्रोडक्शन हुआ उसको 6 भाग में बांट दिए और 1 भाग को टैक्स के रूप में दे देते थे। क्राफ्ट्समैन हैड टू गिव समथिंग ऑफ वॉट एवर दे मेड एज टैक्स। और जो क्राफ्ट्समैन होते थे वे जो भी चीज़ बनाते थे उन्हीं चीज़ों को वे टैक्स के रूप में दिया करते थे। बिजनेसमैन टू पे टैक्सेस इन कैश एंड काइंड। और जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वे कैश के रूप में टैक्स दिया करते थे। सेवरल चेंजेज वर सीन विथ रिगार्ड टू रिलीजन टू। और बहुत सारे बदलाव धर्म के अनुसार भी हो रहा था जिसको देखा गया। वी शैल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। और जो धार्मिक बदलाव हो रहे थे उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। While the Magad Empire had control over the north of India, there were several small kingdoms in the Punjab. Magad उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में अपना अधिकार कर चुका था, कंट्रोल कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद कुछ छोटे छोटे किंगडम्स थे जैसे पंजाब। दिस किंगडम्स वर डिफीटेड बाय द रूलर्स ऑफ ईरान एंड ग्रीस। और वह जो किंगडम था वह ईरान और ग्रीस के द्वारा हराया जा चुका था। अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ मेसोडोनियन स्टेट इन ग्रीस। अलेक्जेंडर ग्रीस में मेसोडोनियन स्टेट के रूलर था, शासक था। ही स्टार्टेड कन्क्वेरिंग द वर्ल्ड। वह संसार को जीतना शुरू किया। आफ्टर कन्क्वेरिंग सेवरल कंट्रीज ऑफ मिडिल एशिया ही रेज्ड एंड अटैक्ड द किंगडम्स ऑफ पंजाब। वह मिडिल एशिया के अधिकतर कंट्रीज पर अपना अधिकार कर चुका था और उसके बाद वह पहुंचता है पंजाब में और पंजाब पर अटैक कर देता है। ही केम एक्रॉस ए किंग कॉल्ड पुरस। और वह पुरस राजा के सामने आया। इट इज सेड दैट आफ्टर बीइंग डिफीटेड व्हेन किंग पुरस वाज ब्राउट बिफोर द विक्टोरियस अलेक्जेंडर ही वाज आस्क्ड बाय हिम हाउ शुड यू बी ट्रीटेड। ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर पुरस पर अधिकार कर लेता है तब पुरस को
अलेक्जेंडर के सामने लाया जाता है, तब अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पोरस रिप्लाइड, जस्ट एज वन किंग ट्रीट्स अनदर किंग, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज रिप्लाई एंड मेड पोरस इज अलाई। अलेक्जेंडर इसके उत्तर को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ और पोरस को अपना मित्र बना लिया। आफ्टर दिस, इसके बाद अलेक्जेंडर डिजायर टू मूव टूवर्ड्स मगध, इसके बाद अलेक्जेंडर को इच्छा हुआ कि मगध की ओर जाए। बट हिज आर्मी रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन उसका आर्मी आगे जाने से मना कर दिया। सो ही वॉज फोर्स्ड टू रिटर्न, इसीलिए उस पर दबाव हुआ कि वह लौट जाए। न्यू रिलेशंस डेवलप्ड बिटवीन ग्रीस एंड द इंडियन किंगडम्स, और एक नया रिलेशन स्थापित हुआ ग्रीस और इंडिया के बीच। देयर वर एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स एंड ट्रेड रिलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड, इंडिया और ग्रीस के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ और साथ में व्यापारी भी एक दूसरे के बीच यानी दोनों देश के बीच में ट्रेड रिलेशन भी एस्टेब्लिश्ड हुआ। Not only this, many Iranians and Greeks started settling down in northwestern areas of India. न केवल वे लोग जो बैटल कर रहे थे बल्कि और भी बहुत सारे ईरानियन और ग्रीक्स भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आए और वहाँ रहने लगे। लेटर ऑन दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री, और उसके बाद वे भारत में एक महत्वपूर्ण रोल निभाए।